हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा की रसोई एंड ब्लॉग्स। और मैं हूँ नेहा की रसोई एंड ब्लॉग्स की नेहा। तो आज हम जा रहे हैं छपरा का काफ़ी फेमस मार्केट घूमने, जो है हथवा मार्केट। तो आज चलते हैं हथवा मार्केट घूमने आपके साथ। तो यहाँ जा रहे हैं सारे मेरे भाई बहन साथ में, पीछे गोबर भी दिख रहा है। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं कचहरी स्टेशन, आ गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी वहाँ ट्रेन रुकी हुई है जैसे कि आप देख रहे हो। तो जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, ये है कचहरी स्टेशन, यहाँ ट्रेन लगी हुई है। और आज मैं आपको मिलाता हूँ अपनी बहन से। आज लेना तो क्या क्या खिलाने वाली है तू आज, बता। आज डोसा, पनीर चाउमीन, मोमोज, पटाटा पूरी। तो चलिए मैं आपको साथ साथ सब दिखाती जाऊँगी, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं सारा ढाला और यहाँ से हम जा रहे हैं हथवा मार्केट। तो रास्ते में जो जो है मैं आपको दिखाती जाऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये कालीबाड़ी स्कूल और उसके पीछे वो है सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, वो था मेरा स्कूल, वो जो दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का। कितना अच्छा लगता है पुरानी जगह पे, सब जगह पे आगे। ये पहुंच गए हम कचहरी स्टेशन, छपरा कचहरी। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ, जुबिनी कोठी ना, जुबिनी कोठी। अब आ चुका है म्युनिसिपल चौक है। अब जो भी बोल लो, ओवरब्रिज बन रहा है यहाँ से। और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मम्मी का ऑफिस, तो यही है ऑफिस मेरी मम्मी का। ये रहा उसका मेन गेट, ये रहा ऑफिस है मेरी मम्मी का ये। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं थाना चौक, जैसे कि आप देख रहे हो पीछे थाना चौक है, उसके बगल में हथवा मार्केट है। तो हम सब जा रहे हैं हथवा मार्केट। और यहाँ बन रहा है बिहार का फेमस लिट्टी चोखा, मैं वो भी कभी आपको टेस्ट कराऊंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बन रहा है लिट्टी, और ये हथवा मार्केट का पहला गेट। तो अब हम लोग एंटर कर चुके हैं हथवा मार्केट में। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं हथवा मार्केट में। वैसे मार्केट तो सारे सेम ही होते हैं, पर वहाँ आने की फीलिंग थोड़ी अलग होती है, क्योंकि बचपन से हमने वहाँ पे सारे टाइम गुजारा होता है। साड़ी देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो मैं जा रही हूँ उस जूस वाले भैया पे, वो मुझे पहचानते हैं वैसे बचपन से, तो चल के देखते हैं वो मुझे पहचान रहे या नहीं। कोक दे दे भैया। नमस्ते भैया, पहचान है आप? हाँ बिल्कुल पहचान है। बड़ी बात, हाय कर दो अंकल, ब्लॉग में आओगे हाय कर दो। तो मैं बता रही थी भैया को कि मेरा चैनल है यूट्यूब पे, और भैया ने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों बाद भी भैया ने मुझे पहचान लिया और वीनो को चॉकलेट्स भी दिए। तो मैं आपको खिलाती हूँ यहाँ का काफ़ी फेमस बटाटा पूड़ी। जैसे कि आप देखो यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है, और यहाँ पे मैं बचपन से खाती आ रही हूँ, तो मैं यहाँ पर तो अब हम लोग आ गए थे कपड़ों की शॉप पे, क्योंकि मुझे संजीव के लिए शॉपिंग करनी थी। और यहाँ पे हमने लिया था संजीव के लिए जीन्स शर्ट, और यहाँ से मैंने लिया था वीनू के लिए कपड़े।
जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों के कपड़े यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर से हैं। तो मैं आ गई थी टेलर की शॉप पे क्योंकि मुझे ब्लाउज सिलवाना था, और उसके बाद हमें जाना था पार्लर बुक कराने क्योंकि मुझे शादी में जाना था, और ये काफ़ी फेमस ब्यूटी पार्लर है ज्योति ब्यूटी पार्लर। तो हमने बुक तो कर लिया है पार्लर, पर मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है। महंगा है ना थोड़ा? हाँ, उस हिसाब से मेकअप हो जाए बस। तो शादी में मुझे जाना है 3 तारीख को, यानी 3 दिसंबर को। मैं उस दिन ही आऊँगी पार्लर में और देखते हैं मेकअप कैसा करता है, क्योंकि मुझे तो थोड़ा महंगा लग रहा है। बस मेकअप अच्छा हो जाए, मैं पैसे वसूल हो जाएंगे। मैं अपने मायके मैक्सिमम 2 या 3 साल में एक बार आती हूँ, इसलिए मैं इन सब चीज़ों का वीडियो बना रही हूँ ताकि ये सब चीज़ें मेरे लिए मेमोरेबल रहे, और मैं अपनी खुशी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ वीडियो के ज़रिए। तो अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप एक लाइक करना मत भूलना। और इसमें हम लोग बचपन से आ रहे हैं तो ये हमारा फेवरेट ही है, इसलिए मैं जब भी चपरा आती हूँ तो मैं यहाँ पे ज़रूर आती हूँ। तो हम लोग आ गए थे अब यहाँ पे साड़ी की शॉपिंग करने, और फिर हमने लिया था अपने लिए चूड़ियाँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। और फिर साड़ी की शॉपिंग करने के बाद हम सब चले गए थे केक लेने क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे था, तो मैंने फिर बहुत ही सुंदर सा उसके लिए केक लिया। तो चलिए आज मैं आपको खिलाती हूँ बिहार का फेमस भूंजा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बिहार के सारे फेमस डिशों में से ये एक है, तो आपको एक बार तो इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो बहुत सारी शॉपिंग करने और खाने पीने के बाद हम सब जा रहे हैं वापस घर। तो अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कचहरी स्टेशन, तो वापस से वो सब जगह आके मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और अगर आपको मेरी मेहनत वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है नेहा की रसोई एंड ब्लॉग्स। और बात करते करते हमने क्रॉस कर लिया था सारा ढाला जैसा कि आप देख रहे हो। तो यह है हनुमान मंदिर, और इसके सामने ही जो गली जा रही है इसके अंदर मेरा घर। So if you like my video, so please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Bye.